हेलो स्टूडेंट्स, मैं द मैथ्स गुरुदेव आज आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 10.1। और हम शुरू करेंगे सर्किल और उसके ऊपर टेंजेंट। तो उससे पहले कि टेंजेंट किस प्रकार की होती है और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए, ये एक सर्किल है और पी क्यू जो है एक लाइन है, और ये लाइन जो है इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस तरह की लाइन्स को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, यानी कि अगर उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वृत्त और रेखा के बीच में, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है जहां पर वो दोनों मिलती हों। तो देखिए दूसरे वाले स्लाइड में, इसमें एक सर्किल है और एक लाइन पी क्यू जो है उसे ए और बी दो बिंदुओं पर काटती है, यानी कि ए और बी दो कॉमन पॉइंट यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो जब कोई लाइन इस पी क्यू इस तरह से दो कॉमन पॉइंट्स पर काटती है, तो उस लाइन पी क्यू को सर्किल का सेकेंड कहते हैं, या हिंदी में इसको जो अगर दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी हों तो रेखा पी क्यू जो है वो छेदक रेखा कहलाती है, क्योंकि वो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदित करती है। अब देखिए, ये तीसरी स्लाइड में एक सर्किल है और एक रेखा पी क्यू जो है उसे ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो इस तरह से जो आप जब कॉमन पॉइंट एक रह जाता है, पहले वाले चित्र में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं था, दूसरे वाले में दो कॉमन पॉइंट थे और इसमें कॉमन पॉइंट मिलकर एक रह गए, तो इस तरह की लाइन को टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस कॉमन पॉइंट को जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से जब एक उभयनिष्ठ बिंदु रह जाए और स्पर्श रेखा बनाए तो वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। अगर दो बिंदुओं पर छेदक रेखा काटती है तो वो छेदक बिंदु होते हैं। तो किसी भी बिंदु पर केवल एक जो है रेखा, एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और टेंजेंट जो है वो एक सेकंड का एक स्पेशल केस है। इसमें वो जो दोनों छेदक बिंदु होते हैं, जब धीरे 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 इस तरह से नज़दीक आके एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी के संपाति हो जाते हैं, ये दोनों बिंदु जो हैं ए और बी मिलके एक ही बिंदु ए बन जाते हैं, यानी के पास पास आके ए और बी एक ही बिंदु पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रच्छेदक रेखा क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा बन जाती है। तो सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन उन पॉइंटों पर जो है हर पॉइंट पर एक ही रेखा बनाई जा सकती है। अब एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट पर इस तरह से हर जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं कुछ मैं आपको खींच के बता रहा हूं, तो इसके अलावा और बाकी बिंदुओं पर भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि आंसर हुआ इनफाइनाइट मैनी यानी कि अनंत। तो फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें एक है फर्स्ट है कि ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्टेड इन पॉइंट्स, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आंसर है 1 यानी कि 1। दूसरा है कि ए लाइन इंटरसेक्टेड ए सर्किल टू ए पॉइंट इस कार्ड, यानी कि दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को सेकंड या छेदक रेखा कहते हैं। एक सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक वृत्त की कितने समांतर रेखाएं होती हैं, तो एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींची जाती है, यानी कि कुल दो समांतर रेखाएं होती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ द इज द क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि एक सर्किल है जिसके सेंटर ओ है और उस सेंटर ओ के ऊपर पी बिंदु पर एक क्यू बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और पी जो ओ पी जो है जो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है, और क्यू बिंदु से इसके ऊपर जो है स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, और हमारे को ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ओ क्यू जो है वो उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वो हमारे को पी क्यू जो है वो निकालनी है यानी कि फाइंड करनी है। तो इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे कि एंगल ओ पी क्यू जो है ओ पी क्यू, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जा सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि पी क्यू का स्क्वायर और ओ पी का जो स्क्वायर है उसका सम जो है ओ क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ पी के स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो वो प्लस के जो हो जाए माइनस साइन का हो जाएगा।
ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, इनके 144 माइनस 25, 119 हो गया। अब क्योंकि पी क्यू हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 यानी कि 119 का वर्गमूल, ये उत्तर डी हो गया। अब हमारे को एक ऐसा वृत्त खींचना, उसमें दी गई रेखा के समानांतर दो रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि एक उसकी छेदक रेखा यानी कि सेकेंड, और दूसरी जो है उसके ऊपर स्पर्श रेखा हो, तो यानी कि टेंजेंट हो। तो इसके लिए जो है हम एक पहले लाइन जो है हमारे को दी गई है, उस लाइन के ऊपर जो है हम एक लंब रेखा खींच लेंगे, और लंब रेखा के जो है एक अन्य खींचने के लिए जैसे किसी पॉइंट पे लेके उस पर इस तरह से चाप लगा के उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसके ऊपर जो है इस तरह से ये डाल देंगे लाइन। तो अब इस लाइन के समानांतर जो है एक अन्य बिंदु पर जो है एक पॉइंट लेके उसी तरह से चाप लगा के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वो इस तरह से बनाएंगे कि उससे जो रेखा खींची जाए वो रेखा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई चली जाए। तो इस तरह से जो है हम जो 90 डिग्री पे जो है इसके ऊपर लाइन जो हमने खींची वो जो है दो बिंदुओं पे काट रही है, इसलिए ये सेकंड यानी के छेदक रेखा है। अब हमारे को एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो बिंदु पे वृत्त के ऊपर एक बिंदु ले लेते हैं, और इस बिंदु से जो है दी गई लाइन पे एक चाप लगा देंगे प्रकार की मदद से यानी के कंपास से। तो इस पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे रख के एक इस तरह से जो है इधर रखा और एक आर्क यानी चाप लगाया, इधर रख के एक चाप लगाया, और इनसे इसको बिंदु को मिला दिया, इस तरह से ये स्पर्श रेखा बन गई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ गुरु को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं द मैथ्स गुरुदेव आज आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 10.1, और हम शुरू करेंगे सर्किल और उसके ऊपर टेंजेंट। तो उससे पहले कि टेंजेंट किस प्रकार की होती है और उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए, ये एक सर्किल है और पी क्यू जो है एक लाइन है, और ये लाइन जो है इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस तरह की लाइन्स को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, यानी कि अगर उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वृत्त और रेखा के बीच में, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है जहां पर वो दोनों मिलती हों। तो इस देखिए दूसरे वाले स्लाइड में, इसमें एक सर्किल है और एक लाइन पी क्यू जो है उसे ए और बी दो बिंदुओं पर काटती है, यानी कि ए और बी दो कॉमन पॉइंट यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो जब कोई लाइन इस पी क्यू इस तरह से दो कॉमन पॉइंट्स पर काटती है, तो उस लाइन पी क्यू को सर्किल का सेकेंड कहते हैं, या हिंदी में इसको जो अगर दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी हों तो रेखा पी क्यू जो है वो छेदक रेखा कहलाती है, क्योंकि वो सब वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदित करती है। अब देखिए ये तीसरी स्लाइड में एक सर्किल है और एक रेखा पी क्यू जो है उसे ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो इस तरह से जो आप जब कॉमन पॉइंट एक रह जाता है, पहले वाले चित्र में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं था, दूसरे वाले में दो कॉमन पॉइंट थे और इसमें कॉमन पॉइंट मिलकर एक रह गए, तो इस तरह की लाइन को टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं, और इस कॉमन पॉइंट को जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से जब एक उभयनिष्ठ बिंदु रह जाए और स्पर्श रेखा बनाए तो वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। अगर दो बिंदुओं पर छेदक रेखा काटती है तो वो छेदक बिंदु होते हैं। तो किसी भी बिंदु पर केवल एक जो है रेखा, एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और टेंजेंट जो है वो एक सेकंड का एक स्पेशल केस है। इसमें वो जो दोनों छेदक बिंदु होते हैं जब धीरे 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 इस तरह से नज़दीक आके एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी के संपाती हो जाते हैं, ये दोनों बिंदु जो हैं ए और बी मिलके एक ही बिंदु ए बन जाते हैं, यानी कि पास पास आके ए और बी एक ही बिंदु पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रच्छेदक रेखा क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा बन जाती है। तो सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन उन पॉइंटों पर जो है हर पॉइंट पर एक ही रेखा बनाई जा सकती है। अब एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, यानी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो देखिए वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु
बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और हर पॉइंट पर इस तरह से हर जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं कुछ मैं आपको खींच के बता रहा हूँ, तो इसके अलावा और बाकी बिंदुओं पर भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि आंसर हुआ इनफाइनाइट में नहीं यानी कि अनंत। तो फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें एक यह फर्स्ट है कि ये टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्टेड इन पॉइंट्स, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आंसर है वन यानी कि एक। दूसरा है कि ए लाइन इंटरसेक्टेड ए सर्किल टू ए पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को सेकंड या छेदक रेखा कहते हैं। एक सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि एक वृत्त की कितने समांतर रेखाएं होती हैं, तो एक रेखा के समानांतर एक और रेखा खींची जाती है, यानी कि कुल दो समांतर रेखाएं होती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ द इज द क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि एक सर्किल है जिसके सेंटर ओ है, और उस सेंटर ओ के ऊपर पी बिंदु पर एक क्यू बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और पी जो ओ पी जो है जो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है, और क्यू बिंदु से इसके ऊपर जो है स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, और हमारे को ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो ओ क्यू जो है वो उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वो हमारे को पी क्यू जो है वो निकालनी है यानी कि फाइंड करनी है। तो इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे कि एंगल ओ पी क्यू जो है, ओ पी क्यू क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाया जा सकता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा कि पी क्यू का स्क्वायर और ओ पी का जो स्क्वायर है उसका सम जो है ओ क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ पी के स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो वो प्लस के जो हो जाए माइनस साइन का हो जाएगा। ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 25 119 हो गया। अब क्योंकि पी क्यू हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 यानी कि 119 का वर्गमूल, ये उत्तर डी हो गया। अब हमारे को एक ऐसा वृत्त खींचना उसमें दी गई रेखा के समानांतर दो रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि एक उसकी छेदक रेखा यानी कि सेकेंड और दूसरी जो है उसके ऊपर स्पर्श रेखा हो, तो यानी कि टेंजेंट हो। तो इसके लिए जो है हम एक पहले लाइन जो है हमारे को दी गई है, उस लाइन के ऊपर जो है हम एक लंब रेखा खींच लेंगे, और लंब रेखा के जो है एक अन्य खींचने के लिए जैसे किसी पॉइंट पे लेके उस पर इस तरह से चाप लगा के उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और उसके ऊपर जो है इस तरह से ये डाल देंगे लाइन। तो अब इस लाइन के समानांतर जो है एक अन्य बिंदु पर जो है एक पॉइंट लेके इसी तरह से चाप लगा के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वो इस तरह से बनाएंगे कि उससे जो रेखा खींची जाए वो रेखा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई चली जाए। तो इस तरह से जो है हम जो 90 डिग्री पे जो है इसके ऊपर लाइन जो हमने खींची वो जो है दो बिंदुओं पे काट रही है, इसलिए ये सेकंड यानी के छेदक रेखा है। अब हमारे को एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो बिंदु पे वृत्त के ऊपर एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु से जो है दी गई लाइन पे एक चाप लगा देंगे प्रकार की मदद से यानी के कंपास से। तो इस पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे रख के एक इस तरह से जो है इधर रखा और एक आर्क यानी चाप लगाया और इधर रख के एक चाप लगाया और इनसे इसको बिंदु को मिला दिया, इस तरह से ये स्पर्श रेखा बन गई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।